कवे भैया, आज मैं स्कूल में पढ़ रही थी तो कबूतर ने मुझे बहुत मारा है और मेरी बहुत बेइज्जती की है। अच्छा, उसकी ये जुरत, मैं जाकर उसकी बहन चिड़िया से बात करता हूँ, उससे मेरी अच्छी दुआ सलाम है। और फिर कवा वहाँ से उड़कर चला जाता है ताकि वो चिड़िया से जाकर बात करे कि उसने क्यों मारा है। चिड़िया बहन, आज तो तुम्हारे भाई ने हद ही कर दी है, उसने मेरी बहन को मारा है और बेइज्जती भी की है। चलो कवे भैया, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आज ही कबूतर की तबीयत साफ़ करूंगी और उससे पूछूंगी। तुम कबूतर को समझा देना, वरना फिर मैं ही उसकी तबीयत साफ़ कर दूंगा और उसे बहुत ज़्यादा मारूंगा। कवे भैया, मैं अभी ही जाकर उससे पूछती हूँ कि उसने ये हरकत क्यों की है और वो चिड़िया से माफ़ी मांगे। और फिर चिड़िया गुस्से से वहाँ से उड़कर चले जाती है ताकि वो जाकर बात करे। आज कबूतर, तुमने तो हद कर दी है और मेरी बहुत बेइज्जती करवाई है। कव्वे ने आकर मुझे सब सच सच बता दिया है। तुम्हें कव्वे ने ये तो नहीं बताया होगा कि उसकी बहन ने मेरी किताबें चोरी कर ली हैं और बैग भी। तो तुम ये बातें उस्ताद को भी बता सकते थे, वो भी तुम्हारा मसला हल कर सकता था। तुमने उसे मारा क्यों है? वो जानबूझकर मुझे तंग करती रहती है और अपनी दोस्तों के साथ मिलकर मुझ पर बातें करती रहती है। चलो जो भी हुआ, तुम जाकर आज चिड़िया से माफ़ी मांगोगे, वरना फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी।